तो बॉलीवुड से अभी अभी खबर आ रही है कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों आपको भी ये बात झूठ लग रही होगी क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। दोस्तों दरअसल ये बात सच है। इनकी मौत कैसे हुई? दोस्तों कल रात यानी 1 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला कोई मेडिसिन लेकर रात में सो गए और वो रात भर सोते रहे। उनकी फैमिली को लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला सो रहे हैं, लेकिन जब इनकी फैमिली सुबह उठाने के लिए इन्हें गई तो सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसी वक्त उनकी फैमिली ने एम्बुलेंस से सिद्धार्थ शुक्ला को हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल पहुंच गए तो डॉक्टर्स ने इन्हें देखा तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया है और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला कोई आम इंसान नहीं थे, ये बिग बॉस सीजन 13 के विनर थे और इन्होंने कई सारी फिल्मों और एल्बम सॉन्ग्स में काम भी किया था और सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ और सिर्फ 41 ईयर्स के थे। तो बॉलीवुड से अभी अभी खबर आ रही है कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों आपको भी ये बात झूठ लग रही होगी क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। दोस्तों दरअसल ये बात सच है। इनकी मौत कैसे हुई? दोस्तों कल रात यानी 1 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला कोई मेडिसिन लेकर रात में सो गए और वो रात भर सोते रहे। उनकी फैमिली को लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला सो रहे हैं, लेकिन जब इनकी फैमिली सुबह उठाने के लिए इन्हें गई तो सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसी वक्त उनकी फैमिली ने एम्बुलेंस से सिद्धार्थ शुक्ला को हॉस्पिटल लेकर गए। जब हॉस्पिटल पहुंच गए तो डॉक्टर्स ने इन्हें देखा तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया है और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला कोई आम इंसान नहीं थे, ये बिग बॉस सीजन 13 के विनर थे और इन्होंने कई सारी फिल्मों और एल्बम सॉन्ग्स में काम भी किया था और सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ और सिर्फ 41 ईयर्स के थे।